स्टडी फॉर जॉब चैनल पर आपका स्वागत है, जहां आपको हर रोज सरकारी नौकरी की जानकारी मिलती रहती है। तो अगर आप सरकारी नौकरी की जानकारी पाना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं हूं विवेक चौहान और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक नई वैकेंसी की अपडेट लेके आ रहे हैं। ये वैकेंसी आती है हाई कोर्ट में और इसके लिए आपकी उम्र होनी चाहिए मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 35 ईयर। पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे आपको 56,100 रुपये से लेके 1,77,500 रुपये तक की सैलरी मिलती है। पे स्केल में इतना डिफरेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कई तरह के पद हैं और जो पद जिस लायक है उसकी सैलरी भी उसी लायक मिलती है। सबसे खास बात, यह भर्ती ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए है, मतलब कि आप इंडिया में किसी भी स्टेट से हैं तो आप इसका आवेदन कर पाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं। यह वैकेंसी मद्रास हाई कोर्ट में आती है और यहाँ पे कुल मिला के 82 पोस्ट है। इसमें तीन तरह के पोस्ट हैं और जिसमें पहला पोस्ट है पर्सनल असिस्टेंट का और दूसरा है पर्सनल असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए, और जो जज के लिए पर्सनल असिस्टेंट है उनकी संख्या 71 रखी गई है तथा रजिस्ट्रार के लिए 10 पोस्ट पे वैकेंसी कराई जा रही है। तीसरा पोस्ट है पर्सनल क्लर्क का डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए और जिसका पोस्ट 1 है। इस तरह इन तीनों पदों को जोड़ने पे कुल 42 पोस्ट हो जाते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इनके लिए आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए। यह बैचलर डिग्री आप साइंस, आर्ट, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल अथवा अदर डिसिप्लिन में भी हो सकता है। इसके साथ साथ आपको टाइपिंग आनी चाहिए। ये वैकेंसी आती है मद्रास से और यहाँ पे आपकी एज रहनी चाहिए कम से कम 18 साल तथा अधिकतम 35 साल। पे स्केल के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, फिर भी बता दे रहे हैं कि पोस्ट 1 के लिए आपको 36,400 से 1,15,700 और पोस्ट 3 के लिए लगभग 50,000 रुपये की सैलरी मिलती है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे। नोटिफिकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्मेट की, तो यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाके अपने इच्छा से इसका आवेदन कर पाएंगे। यह एप्लीकेशन 6 अप्रैल 2018 को भरना शुरू हो चुका है तथा इसका अंतिम डेट 2 मई 2018 रखा गया है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे जनरल और ओबीसी को 500 रुपये का चलान देना होगा, जो कि रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ मद्रास के नाम से पेएबल होगा, तथा एसी एसटी और पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट को कोई भी फीस नहीं देना है। ये वैकेंसी ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए है, मतलब कि आप इंडिया में कहीं से भी हैं तब भी आप इसका आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर आपका सिलेक्शन रिटेन टेस्ट, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के बाद होता है। इसके लिए एड्रेस दिया गया है द रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट मद्रास 600104। तो ये सब डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इसका आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन पढ़िए। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही आप इसका आवेदन करेंगे। फाइनली इस वीडियो को लाइक करिए ताकि हम भी मोटिवेट होकर आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। सरकारी नौकरी की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।